हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप का Q2 और Q3 का रिजल्ट कब आएगा। कंपनी पब्लिश Q2 Q3 का रिजल्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों डिले कर रही है, क्यों टाइम पास कर रही है। आइए जानते हैं Q2 और Q3 का रिजल्ट कब आएगा ब्राइटकॉम ग्रुप का। फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा घर में काफ़ी भागा दौड़ी, टेंशन, हॉस्पिटल के चक्कर, स्टॉक मार्केट का प्रेशर थोड़ा सा लो और एक थकावट सा महसूस कर रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ दिन ऐसा रहेगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि Q2 Q3 का रिजल्ट ब्राइटकॉम ग्रुप का कब आएगा। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि Q2 का रिजल्ट आए तो लोगों में कॉन्फिडेंस आए, और कंपनी छुपा क्यों रही है Q2 का रिजल्ट, ऐसे काफ़ी लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि कंपनी Q2 का रिजल्ट छुपा नहीं रही है, उनकी मजबूरी है कि Q2 का रिजल्ट वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि कंपनी ने जो ऑर्डर जो ऑडिटर अपॉइंट किए थे उनको अभी शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलना बाकी है। जब तक शेयर होल्डर से अप्रूवल ऑडिटर्स को नहीं मिलेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे, और वो साइन नहीं करेंगे तो बिना ऑडिटर के साइन के क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। ये लीगली पॉसिबल नहीं है, नियम के खिलाफ है। तो सबसे पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एजीएम होने वाली थी, एजीएम हो गई कैंसिल, पोस्टपोन। तो एजीएम करने के लिए भी उनको पूरे साल का जो 22-23 का जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो भी अप्रूवल चाहिए ऑडिटर से, वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी के ऑडिटर अभी तक शेयर होल्डर्स ने सैंक्शन नहीं किए हैं, उसको पास नहीं किया है। जब तक वो नहीं होगा ऑडिटर साइन करेंगे नहीं, और कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता नहीं है कंपनी के। एक्चुअली देखा जाए तो सीईओ सीएफओ की भी साइन लगती है क्वार्टर रिजल्ट पे, वो भी नहीं है कंपनी के पास। तो ये काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कंपनी आगे बढ़ नहीं पा रही है। और अभी सब आप जानते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही है कंपनी में, सिर्फ अभी नए एक नए एग्जीक्यूटिव फुल टाइम डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट किए ईडी, बट उनका भी अप्रूवल शेयर होल्डर से होना, मंजूरी देना बाकी है। जब तक वो भी ऑफिशियली फुल टाइम इस पर काम नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सब बातों से Q2 रिजल्ट भी आ नहीं रहा है, ना ही कोई बातें हो रही है। अभी जब ऑडिटर अपॉइंट होंगे तो उसके बाद ही एजीएम डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। तो ये सब पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, इसका एक ही इलाज है जिसके कोशिश कोई जो है इन्वेस्टर्स ब्राइटकॉम ग्रुप के कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। एजीएम के लिए काफ़ी रूल्स लागू होते हैं, बट ईजीएम कभी भी कॉल की जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कंपनी भी कॉल कर सकती है और कंपनी के 10% शेयर होल्डर्स भी कॉल कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है बीसीजी इन्वेस्टर्स डिमांड ईजीएम। बीसीजी इन्वेस्टर्स डिमांड ईजीएम ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें सभी लोग सेबी को मेल कर रहे हैं, कंपनी को मेल कर रहे हैं, एनएससी को मेल कर रहे हैं, बीएससी को मेल कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं कि ईजीएम को कॉल किया जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाए, और उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर्स के द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। ये सब्जेक्ट रख सकते हैं उसमें कि टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ईडी एंड ऑडिटर। ये एक बार हो गया तो बाकी बातें आगे की क्लियर हो जाएगी, और इसके लिए ईजीएम होना ज़रूरी है। कंपनी को भी चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स ईजीएम डिमांड कर रहे हैं उसको वो मंजूरी दे दे और ईजीएम कॉल की जाए। तो इसमें दो तीन सब्जेक्ट अगर पास हो गए तो इवन डिविडेंड भी अप्रूव करना पड़ता है, वो तो ईजीएम में होता है समझो, बट ईजीएम में ऑडिटर अपॉइंट हो गए, ईडी अपॉइंट हो गए, तो बाकी जो कंपनी का जो वर्किंग है स्मूथ हो जाएगा और आगे की बातें सब क्लियर हो जाएगी। इसीलिए ईजीएम होना ज़रूरी है। तो जो लोग चाहते हैं कि ईजीएम हो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बीसीजी इन्वेस्टर्स डिमांड ईजीएम इस नाम से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, और आपको बताया जाएगा कि मेल कैसे करना है। जितने ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे ईजीएम का
उतनी ही जल्दी ईजीएम होगी और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्वार्टर टू का रिजल्ट आ सकता है। ईजीएम को कैसे मेल करना है, क्या करना है, उसके बारे में आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे मैसेज भेजकर मिस्टर विद्याशंकर जी को पूछ सकते हो, जिनका नंबर है 9820057881। ये उनका नंबर है, उनको भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो ईजीएम में मेल बुलाने के लिए मेल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर टू के रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे, जब तक ऑफिशियली शेयर होल्डर्स ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देते नहीं है, तो उसके लिए ईजीएम कंपनी ने बुलाना चाहिए थे एक्चुअली अभी तक। इसके लिए जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, कंपनी अगर बुला लेती तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता था। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ईजीएम बुलाई जाएगी, उसमें दो तीन चीज़ों को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि जल्द से जल्द हमें क्वार्टर टू के रिजल्ट पब्लिश होते हुए देखने को मिले। तो ये टेक्निकल कारणों से क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। अभी देखिए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, काफ़ी कंपनियों के आ चुके हैं, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का क्वार्टर टू के रिजल्ट का ही ठिकाना नहीं है, तो थ्री की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो आशा करते हैं कंपनी जल्दी एक्शन लेगी और जो इसके लिए इन्वेस्टर्स लोग भी कोशिश करेंगे और जल्दी कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आए, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। हम सबको कोशिश करनी होगी तो ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट नहीं क्यों नहीं आ रहा है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो आशा करते हैं इसके बारे में कुछ ठोस कदम कंपनी की ओर से उठाया जाए और जल्द से जल्द क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पब्लिश हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। और जब तक यह नहीं होगा शेयर साइडवेज ही जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आए बिना कोई भी इन्वेस्टर डिसीजन ले नहीं पाता है कि कंपनी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो रिजल्ट से ही जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो डिसाइड करती है कि कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, तो क्वार्टर टू का रिजल्ट आना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके कारण शेयर में नई तेज़ी बन सकती है। तो आशा करते हैं कि नहीं तो जब तक शेयर साइडवेज ही जाएगा, तो आशा करते हैं कि कुछ बड़ी स्टेप कंपनी की ओर से आएगी क्वार्टर टू के क्वार्टर थ्री रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए और शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है, यही आशा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।